स्टूडेंट्स आप हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में आपका ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर्स डन हुए हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिडक्शन एंड फिक्सेशन प्रोसीजर्स एंड बिफोर स्टार्टिंग द रिडक्शन एंड फिक्सेशन प्रोसीजर्स यू शुड नो अबाउट द फ्रैक्चर यू शुड नो समथिंग अबाउट द फ्रैक्चर सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रैक्चर व्हाट इज़ फ्रैक्चर फ्रैक्चर Is a condition when there is breaking of a bone. Fracture means breaking of bone. इट इज़ अ मेडिकल टर्म विच मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ बोन जिसमें एक हड्डी टूट जाती है चाहे एक टुकड़ों में दो टुकड़ों में या दो से ज़्यादा टुकड़ों में जब एक हड्डी टूट जाती है तो मेडिकली हम उसको फ्रैक्चर नाम से बोलते हैं तो फ्रैक्चर जो है स्टूडेंट्स फ्रैक्चरी फ्रैक्चर जो है ये दो तरीक़ों का हो सकता है देयर कैन बी पार्शल फ्रैक्चर और कैन बी कम्प्लीट फ्रैक्चर नाव वी विल स्टार्ट फ्राम पार्शल फ्रैक्चर वॉट इज़ पार्शल फ्रैक्चर पार्शल फ्रैक्चर इज़ अ फ्रैक्टर लेक्चर इन विच देयर इज पार्शली ब्रेकेज ऑफ बोन बोन जो है ब्रेक हुई है लेकिन कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई है पार्शली ब्रेक हुई है तो इसमें हमें क्या नजर आता है स्टूडेंट्स जो ये बोन है इसके टुकड़े नहीं होते है. बिल्कुल ये जो बोन है ब्रेक नहीं होती है इसमें थोड़े से हमें क्रैक्स नजर आते हैं तो दैट कंडीशन इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ अ पार्शल फ्रैक्चर नाउ कंप्लीट फ्रैक्चर व्हाट इज़ कंप्लीट फ्रैक्चर कंप्लीट फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी के बिल्कुल टुकड़े हो जाते हैं एक हड्डी के दो टुकड़े होते हैं या दो से ज़्यादा टुकड़े होते हैं तो जिसमें बिल्कुल कंप्लीटली एक बोन जो है टूट जाती है तो उस कंडीशन को हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं अब रही बात टाइप्स की तो फ्रैक्चर की अगर हम देखेंगे बहुत सारे टाइप्स है ये डिपेंड करता है किस तरीके का फ्रैक्चर है अगर बोन में हमें अगर हमें बोन में ओब्लिक फ्रैक्चर नज़र आ रहा है ओब्लिकली एक फ्रैक्चर हुआ है इन द बोन दैट मीन्स इट इज़ ओब्लिक फ्रैक्चर अगर आप हमें ट्रांसवर्सली अगर हमें बोन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर नज़र आ रहा है फ्रैक्चर हुआ है बिल्कुल ट्रांसवर्स पोजिशन पे, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स साइड से तो हमें हम इस फ्रैक्चर को कहा जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं तो उस चीज़ को कहा अगर स्पायरल फ्रैक्चर हुआ है दैट मीन्स दिस इज़ द स्पायरल फ्रैक्चर वेयर देयर इज द मल्टीपल मल्टीपल बोन इंजुरी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर अब मैं आपको थोड़ा सा आपको बोलती हूँ आइडिया बिफोर स्टार्टिंग द रिडक्शन प्रोसीजर्स वट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर ट्रीटमेंट फॉर फ्रैक्चर इज़ फर्स्ट फर्स्ट इज़ ओपन ओपन रिडक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड रिडक्शन दो चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए तो फ्रैक्चर को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं पहले इसमें हमें रिडक्शन पता होना चाहिए और होना चाहिए पता फिक्जेशन दो चीज़ें फ्रैक्चर में आती है फर्स्ट इज़ रिडक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ फिक्जेशन द फ्रैक्चर कैन बी ट्रीटेड बाई बाई two things one is reduction and another one is fixation for the reduction there are two techniques one is open open reduction technique and the second one is closed reduction technique